डॉक्टर ने भी माना आईबीएस ठीक होगा, तो बस जीएसबी पैथी से। मतलब वही बता दिया ना, कभी कब्ज हो जाना, कभी गैस हो जाना, कभी एसिडिटी हो जाना, कभी जलन हो जाना, कभी अफरा हो जाना, कभी चिलकन इधर होना, कभी लेफ्ट साइड होना, कभी सीने में गैस चढ़ना, कभी दिमाग पे गैस चढ़ना, मतलब तमाम तरह की, इस तरह की तमाम तरह की प्रॉब्लम होने लगी। तो उसके बाद जी फिर मैं अपना होम्योपैथिक स्टार्ट किया। होम्योपैथिक से हमको रिलीफ तो हो जाता था, लेकिन प्रॉब्लम फिर रिवर्स हो जाता था। और रियलिटी में बताऊं कि आपकी जो भी टीम है, मुझे लगा ही नहीं कि ये लोग अनजान लोग भी हैं, अरे वाह, क्या बात है। जिनको मैं कभी देखा नहीं हूँ, केवल फोन से मेरी बात होती है। और पहले दिन से लेकर अब तक आज भी उनसे मॉर्निंग में बात हुई है मेरी, मतलब अच्छा पहले दिन से लेकर आज तक की अगर मैं बात करूँ तो हमको कभी लगा ही नहीं कि मैं इन लोगों को जानता ही नहीं। क्या बात है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी मैं इन लोगों को पहले से जानता हूँ। और दूसरी चीज की इलाज बीमारी का होता है, और आईबीएस की जो समस्या होती है वह कोई बीमारी नहीं है, एक कोई बीमारी नहीं है, यह आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ी एक समस्या है, जिसको आप अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करके, सही डाइट लेकर, सही न्यूट्रिशन लेकर आप इसको सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की।